सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा बनाई गई कोविड परिपेक्ष में जो गाइडलाइंस हैं, जिसका कि रिवीजन 4 है, उसी के आधार पर हमने ये पूरी गाइडलाइंस हिंदी में ट्रांसलेट करके और डेवलप करी हैं, सो दैट दैट एवरी एक्सक्यूज हॉस्पिटल. मैम, जी मैम जो ये आप प्रेजेंटेशन शो कर रहे हैं ये हमें व्हाट्सएप पे मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा, ओके ओके, वी विल क्योंकि शेयर. तो मैं ये स्क्रीनशॉट हर चीज का खींच नहीं सकते, नहीं उसलिए नहीं नहीं मैम। नो इश्यूज, वी विल शेयर ऑल दिस. ओके थैंक यू मैम। हमारे व्हाट्सएप नंबर जो हमने दो लिखा है उसमें अगर आप अपना नंबर भेज देंगे तो हम आपको भेज देंगे. सर एक्चुअली क्या है, हम लोग व्हाट्सएप नंबर सेव नहीं कर पाए, कोई हमें फिर से रिपीट कर सकते हैं? फिर से बता दीजिए ठीक आपको। है, चैट बॉक्स में आपको मैसेज कर देंगे, अभी सभी के साथ शेयर हो जाएगा. हाँ ठीक हमने चैटबॉट में भी कर दिया है, देख लीजिए। सर, हम लास्ट में भी एक बार फिर से आपसे शेयर कर लेंगे, ईमेल एड्रेस भी और ये भी व्हाट्सएप नंबर्स या भी. थैंक यू थैंक यू। ओके, सो इफ वी मूव टू द कैटेगरीज डिफाइंड फॉर डिस्पोजल ऑफ ईच कैटेगरी ऑफ वेस्ट, सबसे पहले जैसा रूटीन तौर पे हम लोग बायोमेडिकल वेस्ट को हैंडल करते हैं, सो येलो कैटेगरी हमारा डेजिग्नेटेड है हॉस्पिटल में आइसोलेशन कोविड वार्ड से, जो हमारा पीपी जनरेट हो रहा है, जैसे कि आपका N95 मास्क हो गया, 3 लेयर मास्क, आपके हेड कवर, हैजमेट सूट, कवर ऑल, सेमी प्लास्टिक कवर ऑल, प्लस इसके साथ साथ जो पेशेंट्स के द्वारा यूज की गई टॉयलेटरीज हैं, और इसके अलावा यदि कोई ड्रेसिंग मटेरियल जनरेट होता है, ब्लड बैग है, एप्रॉन एटसेट्रा, पैड, डायपर, ये सारी चीजें हमें येलो कलर के बिन के अंदर डिस्पोज ऑफ करना है. नेक्स्ट, रेड कलर के अंदर हमें जितना भी रिसाइकलेबल इन्फेक्टेड प्लास्टिक वेस्ट है वो सारा हमें डिस्पोज ऑफ करना है, जैसा कि हम रूटीन तौर पर भी करते हैं. जितना भी हमारे यहाँ रिसाइकलेबल इन्फेक्टेड रबर वेस्ट होता है, जैसे आपका लेटेक्स और नाइट्राइल ग्लव्स हो गए, वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया हो गया, प्लास्टिक के वैक्यूटेनर, जिपेंड्रॉफ ट्यूब्स हो गई, तो इस तरह का सारा आपका इन्फेक्टेड प्लास्टिक या रबर वेस्ट जो है वो आपको रेड कलर की कैटेगरी में डिस्पोज ऑफ करना है. एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आपको येलो कलर के डस्टबिन में येलो कलर के पॉलिथिन का ही उपयोग करना है. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपको सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि येलो कलर के डस्टबिन में जो वेस्ट हम डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, इट शुड बी डबल लेयर्ड पैड. मतलब अभी हम रूटीन तौर पर जो म्यूट कर दीजिए सबको, रूटीन तौर पर जो हम वेस्ट डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उसमें पीले कलर के डस्टबिन के अंदर हम सिंगल पीले कलर की थैली लगाते हैं, बट एज पर द रिवाइज गाइडलाइंस, एज पर CPCB, इट इज मैंडेटरी कि हम पीले कलर के डस्टबिन के अंदर दो पीले कलर की थैली लगाएं और उसके अंदर जो निर्धारित कैटेगरी का वेस्ट है वो डिस्पोज ऑफ करें. ब्लू रेड कलर के डस्टबिन में हमें डबल लेयर नहीं करना है, रेड कलर के अंदर हमें सिंगल पॉलिथिन ही लगाना है, सारा इन्फेक्टेड रबर एंड प्लास्टिक वेस्ट इसके अंदर आपका डिस्पोज ऑफ करना है. नेक्स्ट, ब्लू कैटेगरी के अंदर आपका इन्फेक्टेड और आपका डिस्पोज ऑफ जितना भी आपका ग्लास मटेरियल है वो इसके अंदर जाएगा, जैसे आपका स्लाइड हो गई, कोई ब्रोकन ग्लास हो गया, मेडिसिन इंजेक्शन वायल्स हो गए, ये सारी चीजें हमें ब्लू कैटेगरी के वेस्ट में डालनी है. ब्लू कलर के डस्टबिन में किसी प्रकार की पॉलिथिन उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है, आप या तो ब्लू कलर का जो कंटेनर है उसके अंदर ही डायरेक्ट इस कैटेगरी के वेस्ट को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, और व्हाइट कलर का पंचर प्रूफ, लीक प्रूफ एंड टेम्पर प्रूफ कंटेनर्स का उपयोग करना है. सारे शार्प वेस्ट जैसे निडल हो गई, ब्लेड, स्केल्पेल एटसेट्रा, तो जितना भी आपका मेटालिक शार्प है दैट नीड टू बी गो डिस्पोज ऑफ इन दी व्हाइट कैटेगरी पंचर प्रूफ कंटेनर. नेक्स्ट, सो ये कैटेगराइजेशन था कि हमें कौन सी कैटेगरी, कलर कैटेगरी के अंदर किस प्रकार से कौन से वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करना है. टू रिएट्रेट वंस अगेन, आई विल लाइक टू शेयर दैट येलो कलर के अंदर हमारा मास्क, कॉटन के डिस्पोज ऑफ मटेरियल, पेशेंट्स के द्वारा छोड़े गए मास्क, उनकी बेडशीट्स,
उनके द्वारा उपयोग करा गया टिश्यू, रुमाल, रुई, पट्टी आदि, ये सारा मटेरियल हमें येलो कैटेगरी के अंदर डिस्पोज ऑफ करना है। हेड कवर, शू कवर, सेमी प्लास्टिक कवरऑल, ये सारी चीजें हमें येलो कैटेगरी में डालनी है। वहीं हमें जितना भी प्लास्टिक इन्फेक्टेड रिसाइकलेबल रबर वेस्ट है या प्लास्टिक वेस्ट है, वो हमें रेड कलर की कैटेगरी में डिस्पोज ऑफ करना है। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एज मेंशन्ड बाय द सीपीसीबी गाइडलाइंस। जितना भी वेस्ट हमारी फैसिलिटी के अंदर जनरेट हो रहा है, आइदर इन द आइसोलेशन वार्ड और इन द कोविड वार्ड्स जो बनाए हुए हैं आपकी फैसिलिटी ने, या प्राइवेट रूम्स जो डेजिग्नेटेड है कोविड पेशेंट्स के लिए, किसी भी प्रकार का वेस्ट 48 आवर्स से ज्यादा फैसिलिटी के अंदर रिटेन नहीं किया जाए। इट शुड गेट डिस्पोज ऑफ विद इन 48 आवर्स थ्रू द CBWTF एजेंसी विथ विच यू हैव डन द कॉन्ट्रैक्ट। सो इसके अलावा जितना भी आपका वेस्ट जनरेट होता है, डेली एक निर्धारित समय के ऊपर, डेजिग्नेटेड टाइम के ऊपर सोर्स ऑफ जनरेशन से उसको कलेक्ट करके और एक निर्धारित स्थान के ऊपर ले जाने का एक मैकेनिज्म होना चाहिए, सो दैट कि जो पिछले 12 घंटे से जो वेस्ट वार्ड में या जनरेशन साइट के ऊपर इकट्ठा किया गया था, वो वहां पर किसी प्रकार का इंफेक्शन और स्प्रेड ना हो। सो डेली आपके बायोमेडिकल वेस्ट बिन्स जो हैं, इट शुड गेट एम्प्टीड एंड गेट कलेक्टेड एट द वन सेंट्रल वेस्ट कलेक्शन रूम या कॉर्नर, या कोई प्लेस आपने फैसिलिटी में आइडेंटिफाई करके रखी है, तो वहां पर प्रतिदिन निर्धारित समय के ऊपर वो वेस्ट वहां पर ले जाया जाए। द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि ये जो वेस्ट आप वार्ड से, आईसीयू से और संस्था के अन्य स्थान से जो कलेक्ट करके उस साइट के ऊपर ले जा रहे हैं, कलेक्शन रूम तक लेकर जा रहे हैं, इट शुड गेट कैरिड थ्रू द कवर्ड ट्रॉलीज। वो डायरेक्टली ओपनली ना उसको ट्रांसपोर्ट किया जाए, ना ही उसको सीधे हमें प्लास्टिक बैग के माध्यम से उसको उठाकर और उसको हमें उस साइड तक लेकर जाना है। ये पूरा वेस्ट का जो डिस्पोजल है वो आपका कवर्ड ट्रॉलीज में होना चाहिए। पूरे के पूरे डस्टबिन आप ट्रॉली के माध्यम से एज इट इज उनको उस निर्धारित स्थान पर ट्रांसपोर्ट करना है। COVID-19 के लिए जो वेस्ट हम जनरेट कर रहे हैं, तो उसी पर्टिकुलर साइट के ऊपर इट शुड क्लियरली डेजिग्नेटेड एंड डिमार्क्ड एरिया जहां आप वेस्ट कलेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे कोविड वेस्ट के लिए एक अलग कॉर्नर हो और हॉस्पिटल के बाकी एरिया से जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, जैसे आपके जो नॉर्मल आईपीडी वार्ड्स होते हैं वहां से निकल रहा है, या आपका जो लेबर रूम है, ऑपरेशन थिएटर्स हैं, वहां से जो वेस्ट निकल रहा है, तो उस वेस्ट को कलेक्ट करके स्टोर करने के लिए एक अलग एरिया होना चाहिए। चाहे वो एरिया आपका उसी पर्टिकुलर क्षेत्र में हो, उसी रूम में, उसी कॉर्नर में हो, बट कोविड वेस्ट शुड गेट स्टोर्ड इन अ डिफरेंट प्लेस एंड आपका नॉर्मल वेस्ट जो है, अदर वेस्ट, आपका रूटीन बायोमेडिकल, वो अलग स्थान पर रखा जाए, सो दैट कि जब एजेंसी कलेक्ट करने के लिए आएगी, सो दे कैन क्लियरली डिमांड एंड दे कैन क्लियरली आइडेंटिफाई कि ये वाला वेस्ट हमारा COVID-19 का है और ये हमारा रूटीन बायोमेडिकल वेस्ट है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि जितने भी डस्टबिन्स आप आइसोलेशन वार्ड आपका, अगर यदि फीवर क्लिनिक आपके हॉस्पिटल में फंक्शनल है जहां पर सस्पेक्टेड पेशेंट की स्क्रीनिंग होती है, आपका कोविड वार्ड्स जो आप लोगों ने डेवलप किए हैं, तो वहां पर जो येलो कलर का डस्टबिन आप लोग प्लेस करेंगे उसके ऊपर क्लियरली COVID-19 बायोमेडिकल वेस्ट, सो COVID-19 का लेबल उसके ऊपर लगा होना चाहिए, दैट इज वेरी एसेंशियल। इसी प्रकार जो कॉमन कलेक्शन एरिया आपने डेवलप करा है, वहां पर भी जब कोविड वेस्ट आपके वार्ड से, आइसोलेशन यूनिट से जब कलेक्ट होकर आएगा, तो जब वहां रखा जाए तो वहां पर भी एक लेबल लगा हो, इट शुड गेट क्लियरली ईयरमार्क्ड दैट दिस प्लेस इज डेजिग्नेटेड फॉर स्टोरिंग COVID-19 वेस्ट। आपकी सारे जो पॉलिथिन्स आप यूज करेंगे, नॉन क्लोरिनेटेड पॉलीबैग्स आप जो यूज कर रहे हैं, उनके ऊपर बायो हजार्ड का लेबल इसेंशियली होना चाहिए। सो दिस एज आई हैव शेयर्ड दैट कि आपके कोविड एरिया में जो पॉलिथिन यूज हो रही है वो नॉन क्लोरिनेटेड हो एंड इट शुड बी डबल लेयर्ड। नेक्स्ट, COVID-19 एवं आइसोलेशन वार्ड के दौरान आपका जितना भी वेस्ट आप जनरेट कर रहे हैं उसको डिस्पोज करने के लिए जो ट्रॉली का उपयोग होगा, जो आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करेंगे, इट शुड गेट पीरियोडिकली
वॉश्ड एंड डिसइंफेक्टेड विद द हेल्प ऑफ 1-2% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। तो जो ट्रॉलीज और जो डस्टबिन का उपयोग किया जा रहा है, देयर इज अ प्रोविजन दैट इट शुड गेट डिसइंफेक्टेड ऑन अ पीरियोडिक बेसिस। नेक्स्ट, so this was the guidelines for the disposal of the biomedical waste related to COVID-19. apart from this, jo aapka general waste aapke hospital mein generate ho raha hai through the COVID ward and the isolation unit, to jo aapka sukha aur geele kachre ka categorization hai usme bhi ye dhyan dena hai ki jo COVID ward se jitna bhi aapka samanya apshisht waste ho raha hai marijon dwara, jaise unke dwara upyog kare hue agar yadi koi डिस्पोजेबल बॉटल्स हैं या और कोई डिस्पोजल्स हैं उनके रूम से, अगर प्राइवेट है या सेमी प्राइवेट वार्ड है तो उनके रूम से अगर ग्रूमिंग के दौरान जो कचरा निकला है, तो जितना भी ड्राई वेस्ट है वो हमें ब्लू कैटेगरी के अंदर डिस्पोज करना है। तो जहां आप आपका आइसोलेशन यूनिट आप लोगों ने डेवलप करे हैं, जहां कोविड वार्ड्स आपने डेवलप करे हैं, वहां पर बायोमेडिकल वेस्ट के लाल पीले नीले कंटेनर्स के साथ साथ आप नीला और हरे रंग का डस्टबिन भी प्लेस किया जाए, सो दैट मरीजों और उनके रिलेटिव्स को ये पता रहे कि हमारे यहाँ से जो जनरल वेस्ट जनरेट हो रहा है, जो सामान्य कचरा है, वो हमें नीले और हरे में डालना है, सूखा कचरा नीले डस्टबिन में और जो गीला कचरा है वो हमें ग्रीन कलर के डस्टबिन के अंदर डिस्पोज करना है। गीला कचरा जैसे कि अगर यदि कोई बचा हुआ भोजन है, टेट्रापैक है, डिस्पोजल प्लेट है, ग्लासेस हैं जिसमें कुछ पानी बचा हुआ है, तो इस तरह का जो वेस्ट है वो हमें ग्रीन कलर के अंदर डालना है। सो द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि जहां बायोमेडिकल बिन्स रखे गए हैं उनके स्थान पर क्लियरली ये गाइडलाइंस या प्रोटोकॉल डिस्प्ले होने चाहिए, सो दैट कि स्टाफ को भी पता हो और जो फैसिलिटी के अंदर पेशेंट अटेंडर्स हैं उन्हें भी अच्छे से पता हो। सिमिलरली जहां सामान्य अपशिष्ट के लिए, जनरल वेस्ट के लिए ग्रीन और ब्लू कंटेनर्स रखे जाएंगे, वहां पर भी ये डिस्प्ले अनिवार्य रूप से लगा हो कि किस प्रकार का कचरा किस कलर के डस्टबिन के अंदर डालना है और मरीजों या उनके अटेंडर्स को क्या सावधानी रखनी है। नेक्स्ट, पूरे प्रेजेंटेशन के हमारे जो क्रक्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं विच वी नीड टू टेक केयर ऑफ इज कि फैसिलिटी से जितना भी हमारा पीपी वेस्ट जनरेट हो रहा है, जैसे ट्रिपल लेयर N95 शू कवर, नॉन प्लास्टिक कवर ऑल, ये सारा हमें जब एजेंसी को डिस्पोज करना है तो हमें इसका एक लॉग जरूर मेंटेन करना है। सो दिस इज वन ऑफ द स्टैट्यूटरी कंप्लायंस ऑल्सो एज रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अभी हम सामान्य तौर पे फैसिलिटी में एक रजिस्टर मेंटेन करके रखते हैं जिसमें आपका रूटीन बायोमेडिकल वेस्ट जो निकलता है उसकी एंट्री इस रजिस्टर में मेंटेन करी जाती है, बट डेडिकेटेडली फॉर दी कोविड वार्ड यूनिट वहां से जो वेस्ट निकल रहा है तो उनके लिए एक अलग से लॉग रजिस्टर आपको मेंटेन करना है और एक व्यक्ति जरूर डेजिग्नेट करना है जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उस रजिस्टर को वो मेंटेन करे। जितना वेस्ट हमारा वार्ड से कलेक्ट होता है तो बिफोर गिविंग इट टू दी ऑथराइज्ड एजेंसी फॉर फाइनल डिस्पोजल, उसी साइट के ऊपर देर एंड देन ही सबसे पहले उनका वेट लेना है, जितने बैग्स हमारे यहाँ से जनरेट हो रहे हैं उनका वजन लेना है, उनकी संख्या, ये सारी चीजें एक सेपरेट रजिस्टर बनाकर उसमें एंट्री की जाए और उसका रिकॉर्ड जरूर रखा जाए। इसके साथ साथ जो स्टाफ हमारा ये सारा काम करेगा वेस्ट कलेक्ट करने का, प्लस जो कलेक्शन एरिया है वहां पर इसका वेट लेने का काम जो स्टाफ करेगा, तो उसको इन गाइडलाइंस के ऊपर पूरी ट्रेनिंग अनिवार्य रूप से प्रदान की जाए। दे शुड नो व्हाट आर द रूल्स रिलेटेड टू द COVID-19 वेस्ट हैंडलिंग एंड मैनेजमेंट। इसके साथ साथ उनको कौन से पीपी पहनने हैं फॉर एंश्योरिंग द रैशनल यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। इसके साथ साथ जो रेस्पिरेटरी एटिकेट्स हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड हाइजीन है, इन सारे प्रोटोकॉल्स के ऊपर उस स्टाफ को हमें ट्रेनिंग देनी है जो स्टाफ हमारा वार्ड से वेस्ट कलेक्ट करके लेकर आएगा एंड जो स्टाफ इस कार्य की मॉनिटरिंग के लिए हमने डेजिग्नेट किया है।
जो आपका जनरल वेस्ट है, ये ध्यान रहे कि किसी भी कंडीशन के अंदर हमारा जनरल वेस्ट जो है वो येलो कलर के पॉलिथिन में ना स्टोर किया जाए. मेनी टाइम इट हैज बीन नोटिस्ड और सीन दैट अगर हमारे यहाँ पर पॉलिथिन अवेलेबल नहीं होती हैं तो टेम्परली जो पॉलिथिन उपलब्ध होती है उसी के अंदर वेस्ट हमारा स्टाफ इकट्ठा कर लेता है. तो ये इंश्योर करना है कि येलो कलर मैंडेटरीली शुड नॉट बी यूज फॉर द डिस्पोजल ऑफ जनरल कैटेगरी वेस्ट. और आपका जो जनरल वेस्ट है इट शुड गेट डिस्पोज ऑफ एज पर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स. सो एज आई सेड कि आपका ड्राई वेस्ट ब्लू में और आपका वेट वेस्ट जो है वो गीले कलर के डस्टबिन के अंदर डिस्पोज करना है. तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर राइट फ्रॉम हाउ टू सेग्रीगेट द वेस्ट द कोविड वेस्ट एज वेल एज द अदर बायोमेडिकल वेस्ट. सेकेंड द कलेक्शन एंड द ट्रांसपोर्टेशन. थर्ड द मेंटेनिंग ऑफ द रजिस्टर एंड द लॉग बुक. इन सभी पॉइंट्स के ऊपर जो भी व्यक्ति आपके यहाँ पर डेजिग्नेट किया गया है उसकी ट्रेनिंग एंड इट शुड बी आइडेंटिफाइड पर्सन. सो इट इज रिकमेंडेड दैट ऑफिशियल लेटर या एक ऑफिशियल ऑर्डर उस व्यक्ति के नाम पर जरूर आपके पास में एक निकाल कर उसे दिया जाए सो दैट इट शुड गेट इन टू प्रैक्टिस एज अ आपका ऑफिशियल कंप्लायंस की सारी प्रैक्टिसेस जो है एज पर सीपीसीबी गाइडलाइंस हम लोग फॉलो कर रहे हैं. नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट इज की फैसिलिटी के लिए वेरी इट इज वेरी एसेंशियल दैट फैसिलिटी शुड हैव द ऑथोराइजेशन फ्रॉम द मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. सो यदि आपकी फैसिलिटी ने ऑथराइजेशन ऑलरेडी ले रखा है एंड इट हैज गॉट एक्सपायर्ड सो प्लीज एंश्योर दैट इट शुड गेट रिन्यूड ऑन टाइम. इसके साथ साथ आपकी फैसिलिटी में यदि आपने आइसोलेशन वार्ड या COVID-19 ICU अगर आपने फंक्शनल कर रखे हैं तो इसकी ऑफिशियली जानकारी आपको मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को आपको भेजनी होगी विच इज अ मैंडेट एज पर सीपीसीबी गाइडलाइंस. नेक्स्ट एंड द इम्पोर्टेंट इज कि आपकी जितनी भी वेस्ट कलेक्शन ट्रॉलीज हैं डस्टबिन हैं योर फ्रीक्वेंटली टच सरफेसेस ये सारे एरिया में आपको 1 से 2% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से डिसइंफेक्शन का प्रोटोकॉल फॉलो करना है. दैट इज वेरी एसेंशियल. सो दिस इज द चार्ट विच इज शोइंग द डल्यूशन प्रपोर्शन ऑफ द हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन एज वेल एज द वॉटर. सो यदि आपको 1% बनाना है सो स्टाफ शुड नो कि उसे 200 ml पानी लेना है और 800 ml सोल्यूशन लेना है. 800 ml पानी लेना है 200 ml सोल्यूशन लेना है सो दैट इट विल गेट 1% आपका हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन जिससे कि आपको ट्रॉली डस्टबिन ये सारा डिसइनफेक्ट करना है. ये आपके स्टाफ को पता हो कि हाउ टू क्लीन एंड डिसइनफेक्ट द ट्रॉलीज एंड डस्टबिन. इट शुड नॉट कि वो सिर्फ बाहर से साफ कर ली जाए उसे अंदर से और बाहर से दोनों सर्फेसेस से उसे डिसइनफेक्ट करना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट ये लॉग बुक रजिस्टर का हम एक फॉर्मेट आपसे शेयर कर रहे हैं. अगर आपके यहाँ पहले से बना हुआ फॉर्मेट है तो नो इश्यूज आप उसे ही मेंटेन रख सकते हैं. द ओनली इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि आपको कोविड एरिया के लिए अलग से रजिस्टर मेंटेन करें. जो आपका एग्जिस्टिंग रजिस्टर है उसे एज इट इज रहने दें और कोविड के लिए अलग से मेंटेन करें. सो इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि आपका जो लॉग बुक रजिस्टर है उसमें हर कैटेगरी के वेस्ट का वजन और उसकी क्वांटिटी वो क्लियरली मेंशन होनी चाहिए. प्लस आपके यहाँ पर जो एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट किया गया है ये वेस्ट कलेक्ट करने के लिए तो उसकी वेस्ट लेने की फ्रीक्वेंसी क्या है. इज इट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर कलेक्शन ऑफ द डेली वेस्ट और ऑन द अल्टरनेट बेसिस. तो जो भी मैकेनिज्म या जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपका MOU उस एजेंसी के साथ में हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको डिटेल भरकर और ये रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है. नेक्स्ट सो द कॉलम्स आर द सेम. सिर्फ पहले वाले में आपको फैसिलिटी का नाम मंथ ईयर एंड ये सारा डिटेल भरना है और जब हम कोविड एरिया के लिए रजिस्टर मेंटेन करेंगे तो उसमें क्लियरली एटलीस्ट विभाग यूनिट या वार्ड का नाम क्लियरली मेंशन होना चाहिए. अगर आपके यहाँ पर दो आइसोलेशन यूनिट चल रहे हैं तो अगर आइसोलेशन 1 एंड आइसोलेशन 2 तो आप ये लॉग रजिस्टर के अंदर लिखेंगे कि आइसोलेशन 1 से जो पीला लाल नीला व्हाइट जो वेस्ट निकला है उनकी क्वांटिटी कितनी है उनका वजन कितना है.
और उसमें डेली एजेंसी के पर्सन के भी रजिस्टर उसमें करे जाएंगे, और जो पर्सन जिसको हमने इस कार्य की मॉनिटरिंग के लिए डेजिग्नेट किया है वो भी इस पे सिग्नेचर करेगा। सो ये पूरा रिकॉर्ड आपको अनिवार्य रूप से संस्था के ऊपर मेंटेन करके रखना है, बिकॉज जितना इम्पोर्टेंट आज की स्थिति में हमारे लिए मरीजों को क्लिनिकल सर्विसेज प्रोवाइड करना है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, बेड्स की अवेलेबिलिटी, उतना ही इम्पोर्टेंट है कि ऐसी कंडीशन के अंदर जो डेली हमारे यहाँ पर वेस्ट जनरेट हो रहा है उसका यदि प्रॉपर हैंडलिंग और डिस्पोजल नहीं होगा, सो इट विल एम्पलीफाई द करंट एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम इन मोर एग्रेसिव वे। सो वी नीड टू डेवलप द मैकेनिज्म एंड वी नीड टू गेट अदेयर्ड विद द लेट डाउन गाइडलाइंस बाय सीपीसीबी। सो दिस वाज द समरी ऑफ द गाइडलाइंस Now, व्हिच वी आर शेयरिंग। the forum is open. You can ask anything you want to your queries to be answered. So please. यदि आप लोग कुछ भी, अगर आप लोगों का कोई क्वेरी है कोई किसी कैटेगरी के वेस्ट को लेकर या जो भी प्रेजेंटेशन आपको दिया उस संबंध में या कोई और सबको अलाउ करो. अलाउ कर दिया। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा कि आपका जो कोविड वेस्ट है वो अपने पॉइंट ऑफ जनरेशन पे ही सेग्रीगेट हो जाना चाहिए. ऐसा नहीं हो कि आप उसको कलेक्शन रूम तक ले जाके उसके बाद में उसको सेग्रीगेट कर रहे हैं. और जो आपका रेड बिन वाला वेस्ट है वो प्रॉपर म्यूटिलेट होने के बाद में ही जाना चाहिए उसमें, अदरवाइज रीयूज पहुंचने का.